मेरे बिहार पुलिस के जितने भी साथी हैं यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है जो कि है वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी कब आ रही है, कितने पोस्ट पे आ रही है, कब से इसका एग्जाम होगा, ये सारा डॉट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सारा चीज का जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कोई ऐसा अपडेट नहीं था, ना कोई ऐसा कुछ सूचना मिल पा रही थी, पर फाइनली कुछ अपडेट्स मिला है वैकेंसी को लेकर, बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं अभी। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग नए आ रहे होंगे, तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाएगा, क्योंकि अब आप लोग को बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमेशा न्यू अपडेट्स मिलते रहेगा। और जो भी अपडेट्स आएगा सबसे पहले मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा। और मैं आप लोग को एक बुक भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है नजदीक तो आ ही गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे होंगे, तो एक मार्केट में किताब है जो कि है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है। इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा कि पिछला साल जो क्वेश्चन आए थे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस किताब से लड़ गए थे। इसमें 20 मॉक पेपर्स हैं, 5 सॉल्व पेपर है इसमें, तो ये सब इसमें दिए गए। और ये किताब को पाना बहुत ही आसान है, आप अपने नजदीकी दुकान में जाकर पता करिएगा कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का किताब है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तुरंत मिल जाएंगे। अगर वहां पर नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। अगर यहां पर भी कुछ दिक्कत होते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर तक दिया जाएगा, इस नंबर पर कॉल करके किताब को आसानी से मंगवा सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं वैकेंसी को लेकर। सूचना मिल रहा है कि जानकारी मिल रहा है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का है कि आप लोग का जो एग्जाम है ये जून में कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि जून में होने का संभावना बताया जा रहा है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आते हैं, अगर किसी तरह का दिक्कत होते हैं जून में, तो ये ज्यादा डेट आगे नहीं बढ़ेगा, जुलाई का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ये मैटर को मतलब कि कर लिया जाएगा। तो ऐसा सूचना मिल रहा है कि जो जून में है आप लोग का जो एग्जाम है ये वैकेंसी आ जाएगा और एग्जाम कराया जा सकते हैं जुलाई के करीब में। तो ये इस तरह का जानकारी मिला है। तो जून में जब भी वैकेंसी आएगा, जब भी अपडेट आएगा, तो मैं आप लोग को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट कहीं भटकने और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास सूचना आया था तो मैं बता दिया कि जून में आप लोग का जो वैकेंसी है देखने के लिए मिल जाएगा और जुलाई में या जो एग्जाम है आप लोग का हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, जैसे ही अपडेट्स आएगा तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर दूंगा। टाइम से आप लोग फॉर्म अपना फिल कर पाइएगा, ये सबसे बड़ा मैटर होता है, क्योंकि फॉर्म अगर फिल नहीं कर पाते हैं तो इसमें दिक्कत होते हैं। तो जो सबसे पहले फॉर्म फिल करते हैं उनको बेनिफिट भी देखने के लिए मिलता है। तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट कर दूंगा और टाइम से आप लोग अपना फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय।